हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त अच्छा होंगे। और नीलू स्वीट किचन में आप सबका दिल से स्वागत है। मिठाइयां तो हम बहुत तरीके से खाते हैं दोस्तों, लेकिन इस तरीके से एक बार मिठाई बना के और खा के देखिए, ओरिजिनल, ना तो फूड कलर ना तो कोई ऐसे कलर जो कि हमारे हेल्थ को बिल्कुल भी नुकसान करे, हार्मफुल हो, बिल्कुल भी नहीं। पाले बिस्किट तो हमारा पुराना, एकदम पुराना मित्र है। तो इसी तरीके से आइए हम एकदम बिस्किट डालकर स्वीट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कढ़ाई हमको दो तरीके से दिखा रहे हैं आपको, हमको दो तरीके से कढ़ाई में एक मिठाई बनाने के लिए कढ़ाई, ये लोखन की बेस्ट हो लगती है। आपको कौन सी लगती है कमेंट में बताइएगा। नॉन स्टिक या कोई ऐसे जर्मन की कढ़ाई बेस्ट नहीं होती। अगर आपके घंटे लग रहे हैं खोए या मावे बनाने में, तो इस लोखन की कढ़ाई में आधे घंटे लगेंगे। इसके जलेपन पर मत जाइए दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है, आप भी यूज किया करिए ज़रूर से ज़रूर। तो यहाँ पे मैं देखिए 1 लीटर दूध डाल रही हूँ, फुल फैट है, बिल्कुल भी मलाई नहीं निकला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं इस कढ़ाई में डाल दे रही हूँ, बिल्कुल भी देखिए मलाई रोटी जैसे खुद ही हुआ है। तो यहाँ पे मलाई को मुझे नहीं डालना है, मलाई मैं लास्ट में यूज करूँगी। तो पहले दूध को डाल के मैं अच्छे से जलाऊँगी, 6 से 7 मिनट लग जाएंगे, लगभग 10 मिनट तक मैं इसको ऐसे चलाती रहूँगी। नीचे तले पर धरे ना, कि अगर हम जैसे ही छोड़ेंगे तैसे ही जल जाएगा। चलाते रहना है, सीधे आप 10 मिनट तक चलाएंगे तो दूध आपका खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। इतना गाढ़ा नहीं डालूंगी मैं, बिल्कुल भी आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, कोई भी ऐसे मिलावट चीज नहीं करूंगी, सारा ओरिजिनल रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ली हूँ आधा बाउल सूजी और आधा बाउल मैंने लिया है मैदा। तो ये दोनों मतलब ठीक करेंगे हमारे मिठाई को, और बिल्कुल भी मतलब बर्फी को हमारे एकदम स्वाद चेंज कर देंगे। और इसको पहले मुझे कैसे इसको डालना है, ऐसे कच्चे नहीं डालना है इसको, थोड़ी सी मैं कढ़ाई एक रखूँगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं एक कढ़ाई रख रही हूँ, कढ़ाई में रखने में मैं इसमें घी नहीं डालूँगी, डायरेक्ट मैं सूजी डाल दूँगी, क्योंकि आप डालोगे घी वगैरह कुछ तो वो ज़्यादा मतलब दूसरे कलर में आ जाएगा। तो ऐसे वो माय गॉड, मेरा तो थोड़ा सा लग गया, क्योंकि सूजी की हल्की भी आंच तेज होगी ना तो बिल्कुल लग जाएगी। तो इसी में मैंने, जैसे मेरा सूजी हुआ तो मैंने तो इसमें डाल दिया है आधा बाउल मैदा। अब इसको भी 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। और पकाना क्या है, जब खुशबू आने लगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये दोनों पक चुके हैं। तो आपको पहले सूजी ही 5 मिनट तक पकाना है। यहाँ पे देखिए एकदम रबड़ी का आकार ले लिया है ये मेरा जो खोवा बन चुका है। थोड़े सा अब इसी प्रोसेस में मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके ये मैदा और सूजी जो मैंने भुना है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल अगर अच्छी लगती है तो, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना राय देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी कमियां स्टार्ट होने से पहले ख़त्म होने की ज़रूरत है। अगर मेरी कमियां कुछ है मेरी वीडियो में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, अपनी फैमिली अपनी दोस्त समझ के, क्योंकि अच्छाइयाँ वही लोग बताते हैं जो सच्चे मित्र होते हैं। तो प्लीज़ मेरी गलतियों को मुझे बताइएगा, कैसी लगती है वीडियो ये भी बताइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए मेरा सूखा हो गया है डालते ही सूजी, तो मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, थोड़ा दूध डालिए, फिर थोड़ा दूध मैंने डाला है। मेरी कढ़ाई थोड़ी डगमगा रही क्योंकि इंडक्शन पे मैं बना रही हूँ। स्वाद अनुसार आप डाल दो शक्कर मैंने आधा बाउल लिया है, बहुत मीठा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अब इसी के प्रोसेस में अब बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको बस चलाते रहना है जब तक मेरा ये शक्कर गले ना, और बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा शक्कर सूजी और मैदा सारा, तो इतना मतलब दूसरा ही आकार में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी इसको और ठीक बनाएंगे तो यहाँ पार्ले बिस्किट है, पार्ले बिस्किट बहुत ही टेस्ट बढ़ाता है मिठाइयों को, केक को। तो यहाँ पे कोई भी बिस्किट यूज कर सकते हो, इसको तोड़ तोड़ के तो बिल्कुल भी मतलब मुझे वो करना है, मिक्सर जार में रखना है और उसके बाद इसको बढ़िया से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए मिक्सर में मैं ग्राइंड करूँगी मिक्सर जार में, और जैसे
काइंड होगा तो ऐसे मैं डाल दूंगी। ये मेल्ट वाले बिल्कुल भी देखिए पाउडर हो गया है एकदम, आपको ऐसे बना देना है। तो इसको मतलब डालना एक ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ी सी दूसरी फ्लेवर में चाहिए तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो थोड़ा सा मैं बिस्किट डाल दी हूँ, और बिस्कुट अगर थोड़ा दरदरा रहेगा तो भी मेल्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे पाउडर हो जाते हैं तो बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी देखिए एकदम हाथ चला के मुझे वो कर देना है। जो मैंने मलाई दो दिन तक मैंने ऐसे इकट्ठा किए थे तो वो मलाई में डाल दे रही हूँ लास्ट में। तो मलाई डालने से शाइनिंग अच्छा होता है और इसकी फ्लेवर चेंज हो जाती है बिल्कुल भी, मतलब पेवर मिठाइयाँ बन के रेडी होंगी और ज़्यादा क्वान्टिटी में। तो यहाँ पे देखिए एकदम मैं हाथों से चला रही हूँ, एकदम बिल्कुल भी रुकना नहीं है, एकदम चलाते रहना है। तो आप 2 से 3 मिनट लगेंगे धीमी आंच पे, खुद ही अपने आप मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे थाली में मैं ले रही हूँ घी, और घी को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी क्योंकि सीजन ठंडी का है ना, तो घी मैंने गर्म किया और बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब इस ये जो मैंने मिश्रण बर्फी वाला बनाया है, अब इस मिश्रण को डाल दूँगी थाली में और अच्छे से बैठा दूँगी। तो प्लेन करके बैठाना है, आप चाहे तो अगर आपको पेड़े बनाने हैं तो आप और ही गोला कर मतलब और सुखवा लीजिए 2-3 मिनट तक उसके बाद, लेकिन बनाना है बर्फी जो कि चुकंदर की बर्फी है। तो अभी आप सोच रहे होंगे इसमें बीटरूट कहाँ डाले गए हैं, तो अभी मैं प्रोसेस आगे दिखाऊंगी आपको। तो ये कलरफुल बनाना है हमको, तो बर्फ़ी ये बिल्कुल ही मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी है, एक बार ऐसे बना के आप खाइए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अम्मी लगेगा। आप बार बार बनाना चाहेंगे इस पे, इसके कलर पे मत जाइए। अगर आपको नहीं ऐसे चुकंदर वाली चाहिए तो इसी पे आप सिल्वर पेपर बना दीजिए, लगा दीजिए, बस एकदम बेस्ट हो जाएगा आपकी बर्फ़ी, लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बीटरूट के बिल्कुल भी एकदम आधा से आधा मैंने लिया है बीटरूट, और इसके छिलके उतार के फेंक देना है। उसके बाद जो ये बीटरूट है इसको आप कोई भी अदरक घसते हैं ना, या कोई भी ग्रेटर से ग्रेट कर दीजिए, या तो फिर इसको मतलब जूस निकालना है कैसे भी करके, आप जैसे निकाल सको। तो यहाँ पे अदरक वाली मैंने ग्रेटर लिया है, इसे ग्रेट कर लिया है। ये इसे ऐसे करने से क्या होता है कि जूसी हो जाएगा। अब इसका जो जूस है ना, हाथों के ही हेल्प से गार देना है इस बाउल में। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी, चाहे तो आप कॉटन के कपड़े लेकर उसके ऊपर ऐसे रख के गार दीजिए अच्छे से, लेकिन मैंने कपड़े नहीं लिए हैं, मैं ऐसे हाथ से ही गार दे रही हूँ। तो इसका सारा जूस मतलब निकल जाएगा ऐसे बाउल में। तो इसी जूस में डालेंगे थोड़ा सा आधा चम्मच शक्कर, और उसके बाद दोस्तों डालेंगे इसमें दूध की 1 चम्मच मलाई, जो दूध की मलाई या मार्केट वाले भी मलाई यूज कर सकते हो। तो इसमें मैं दूध की मलाई यूज कर रही हूँ, अब ये दोनों मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद इस मिश्रण के ऊपर जो मैंने अभी बना के रखा है ये देखिए, इसके ऊपर ऐसे फैला देना है चारों तरफ बढ़िया से, ताकि कलर भी चेंज हो जाए, बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। और बिल्कुल फूड कलर नहीं यूज करना है, एकदम बीटरूट के कलर एकदम देखने में ही प्यारे लग रहे हैं, एकदम लुक चेंज हो गया ना। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से इसको फैला दीजिए ताकि अच्छे से आपका हो जाए। तो इसको 1 से 2 घंटे छोड़ देंगे आप, आपका एकदम बढ़िया से बर्फी रेडी हो जाएगी। जबकि आप जानते हैं कि खोवा वाली या मावा वाली बर्फी बहुत सूखी नहीं होती, क्योंकि उसमें या तो शक्कर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, या तो फिर कुछ ऐसे मिश्रण जो कि बहुत ही ज़्यादा थिक बना दे। लेकिन मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत थिक बनाना है, मुझे जूसी टाइप की बर्फी चाहिए, जो कि मेरा प्योर खोवा का है, 1 लीटर दूध कुछ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आसानी से मैं चाकू की मदद से काट दे रही हूँ, एकदम जूसी बर्फी मेरा बन के रेडी हो गया है बीटरूट का। तो बताइएगा आप कब बना रहे हैं, अगर लुक अच्छा लगे और बर्फी अच्छी लगे तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और बताइएगा कि आप लोग कैसे बना रहे हैं। हाँ, देखने में थोड़ी अच्छी लग रही हो या नहीं, लेकिन खाने में बहुत अच्छी। ऊपर से दोस्तों ये मैंने रखा है, मैंने बीटरूट का जो था अंदर का गुज्जा मैंने वो रख दिया है, बिल्कुल भी आपको बुरा नहीं लगेगा, एकदम अच्छा लगेगा लुक। आपके पास बादाम काजू कुछ ऐसे हो तो ऊपर लगा सकते हो डेकोरेट। आई होप दोस्तों आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा ये बर्फी बनाने का स्टाइल, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक